हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एकाधिकारिक या एकाधिकृत तथा अल्पाधिकार में अंतर बताऊंगा, ठीक है। देखिए, अंतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अंतर जो होते हैं ना जी, कक्षा 12वीं वालों के लिए और 11वीं वालों के लिए, ये आपका अर्थशास्त्र विषय का ये टॉपिक है, ठीक है ना, जो है तो उसी में से ये अंतर लिया गया है। ये अंतर है एकाधिकारिक या एकाधिकृत और अल्पाधिकार में अंतर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए, जो अंतर वाला जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपकी अच्छे से अच्छे मार्क्स आप उसमें ला सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कम लिखना पड़ता है, कम शब्दों में लिखना पड़ता है और उसमें नंबर बहुत ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है, और बहुत सरल भी होता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए, इसमें जो एकाधिकारक में जो हमारा पहला है वो है, इसमें फर्मों की संख्या अधिक होती है। एकाधिकारक में क्या होता है, इसमें फर्मों की संख्या अधिक होती है। अल्पाधिकार में क्या होता है, इसमें फर्मों की संख्या दो या दो से अधिक किंतु सीमित होती है। इसमें जो फर्म होंगी वो दो या दो से अधिक होंगी, लेकिन इससे ज़्यादा भी नहीं होंगी, सीमित होंगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, एकाधिकार में इसमें संख्या बहुत अधिक होती है फर्मों की, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, इसमें विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। जो एकाधिकारक होता है इसमें क्या होता है, विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है, और इसमें विभेदीकृत अथवा समान वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है। इसमें विभेदीकृत वस्तुओं का भी हो सकता है और समान वस्तुओं का भी होता है। इसमें देखिए, जो हमारा तीसरा अंतर है वो है एकाधिकारक में, देख लीजिए आप, इसमें मांग वक्र निश्चित होता है। जो एकाधिकृत प्रतियोगिता है उसमें क्या होता है, मांग वक्र क्या होता है, निश्चित होता है, और इसमें मांग वक्र अनिश्चित होता है, ठीक है। चौथा अंतर देख लीजिए, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, इसमें प्रत्येक फर्म व्यक्तिगत रूप से कीमत व उत्पादन के संबंध में निर्णय ले सकती है। इसमें जो फर्म रहेगी ना, कोई भी फर्म, चाहे कोई भी फर्म हो, वो खुद निर्णय ले सकती है कीमत और उत्पादन के संबंध में, ठीक है। इसके बाद अल्पाधिकार में देखिए, इसमें फर्म व्यक्तिगत रूप से कीमत व उत्पादन के संबंध में निर्णय नहीं ले सकती। इसमें जो फर्म होगी वो व्यक्तिगत तौर से कोई भी निर्णय नहीं ले सकती कीमत और उत्पादन के संबंध में, ठीक है। तो ये चार अंतर जो हमने देखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। साथ में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के स्टडी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहते हैं। और अगर और भी अंतर आपको देखना है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, अंतर वाली प्लेलिस्ट खोल सकते हैं, वहां पे मैंने सभी अंतर को अपलोड कर रखा है। थैंक यू।